उत्कर्ष अक्षत मैम, करिश्मा से पूछो क्यों नहीं आई वो। ओके बच्चों, आज जो हमारी क्लास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे। मैम एक बार इनको देखो जरा, उत्कर्ष वीडियो ऑन कर और अक्षत आप भी, अक्षत आप भी एक बार करिश्मा से बात करिए मैम, वो क्यों नहीं आई। ठीक एसी चला दो और यार चलिए शुरू करते हैं। तो आज एक प्लीज बच्चों बातें नहीं यार, तेरा ना मानव है ना, मानव और एक इसका 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 सक्षम और संयम तो मेरे को पता है, आपको तो पता है मानस अब याद हो गया, मानव एंड मानस, और माने नहीं आया ना, माने हाँ माने, ठीक ओके बच्चों। आप है मेहुल, ये बड़ी दिक्कत है चार पांच नामों में, कोई माइक कोई नहीं, आवाज़ आ रही है बस बच्चों। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एक हम स्टॉक एक्सचेंज करेंगे बड़ा टॉपिक, उसके अलावा हम दो तीन छोटे टॉपिक्स करेंगे, हम डीमैट के बारे में समझेंगे, हम डिपॉजिटरी के बारे में समझेंगे, ये आज का हमारा टारगेट है। कल का मैं बता देता हूँ, कल आपकी क्लास शाम को ही मैंने अरेंज की है, सही चल रहा है ना, सुबह आप लोगों का प्रैक्टिकल है। कल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो आप लोगों को पता है कौन सा है, ट्रेडिंग प्रोसीजर। तो आप अपने और फ्रेंड्स को भी बोल देना, जो भी आज नहीं आया, जैसे तानिया नहीं आई है ना, तो उसको बोल दियो कि तानिया कल उसकी जगह रोक के रखिए तानिया की, ठीक है तानिया एक मिनट, अच्छा ठीक है। तो कल हम ट्रेडिंग प्रोसीजर, एंड मेरे को पूरी उम्मीद है कि सैटरडे तक हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अच्छा मैं सही है, मैं बता रहा हूँ, तानिया आ जा। वैसे आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, हर बच्चे ने अपने सीट होती है, कोई नहीं। तानिया को हम स्पेशल सीट देंगे, तानिया बैठेगी इस सीट पे, ठीक है। तानिया आ जाओ उधर ही सेट कर, नहीं पीछे चेयर है, नम्या पीछे चेयर है, उसको आप आगे पास कर दो, क्योंकि तानिया को आगे पास कर दो चेयर। ये यश आप शिफ्ट हो गए ना, सही है, तो इधर आ जाइए, ये बैठ पढ़ ही नहीं पाएंगे बच्चे, तानिया आगे यहाँ बैठ गए ना, आप इधर आ जाओ, ये इधर खराब तो कंचन, आप इधर आदित्य, आप ये चेयर पीछे बोल से आगे शिफ्ट कर दो, ये मेरे पास, आप इसको दो, ये चेयर मुझको दो, सर आप खड़े हो, नहीं आप बैठो यार, बैठो जल्दी से, चलो इसको एक एक आगे कर दो ना, बस हटो, बस लो अब आ जाओ आगे कर लो एक एक सीट बस, अरे आप पीछे जाओ, एक अरे दे आज दवाई नहीं ली, बैठो चलो। व्हाट इज दिस यार, क्या व्हाट इज दिस अनन्या, अच्छा अब तानिया बोलेगी कि नन्या मेरे साथ बैठेगी है कि नहीं, रिमोट तू भी उठ जा, तू इधर आ, तू इधर आ जा, तू इधर, एक मिनट बच्चों बस एक मिनट उठ जाइए, एक सेकंड ओके। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है बच्चों, आराम से करेंगे, बहुत एक छोटा सा टॉपिक मैं बहुत टाइम लेके करूंगा, तो इससे मेरी आपसे उम्मीद है और एक वो है गुजारिश है कि आप कोशिश करना इसको यहीं पे याद करने का, सब बच्चे नोट्स को कर दो बंद, आप एक ही बुक से पढ़ते दोनों, लाना भूल के नहीं, प्यार है ऐसी बात, फ्रेंडशिप बेलव, ठीक है आई, अरे वो होता ना, वो क्या होता है तुम्हारा, फ्रेंड्स फॉर लाइफ एंड बियॉन्ड लैब है ना, वो है ना फ्रेंड्स फॉर लाइफ एंड बियॉन्ड वाला लैब। चलिए ओके बच्चों शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में किया था, स्टॉक एक्सचेंज में हमने ये पढ़ा था कि सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेच सकते हो खरीद सकते हो, यही बोला था लास्ट चीज, और हमने उसके बाद डिफरेंस किया, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि सेकेंडरी मार्केट क्रिएट क्यों की गई थी आज से 30-40 साल पहले, why was this need, मतलब वो arise हुई कि जी एक secondary market नाम की चीज होनी चाहिए, भाई सिंपल सा काम था, प्राइमरी मार्केट थी, कंपनीज आई शेयर्स दे गई, डिबेंचर्स दे गई, काम खत्म, ये क्यों, किसने बोला कि जी हमें एक सेकेंडरी मार्केट चाहिए, तो थोड़ा समझना, अब थोड़ी सी बातों को सुनना और उसको समझना। 1970s-80s की हम बात करते हो, शायद उससे भी पहले की, हुआ क्या, लोगों का, प्लीज मेरी बात को सुनिए, लोगों का इस मार्केट में से मतलब कौन सी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, इस मार्केट में से लोगों का जो ट्रस्ट था वो अगेन कम होने लग गया,
लोग क्या करते थे, अपने पैसे को डिपॉजिट करना शुरू कर देते थे किसमें, सेविंग्स में। आज अपना भी शुरू कर दिया अटेंडेंस लेने, ये बढ़िया, वैसे अच्छा किया अटेंडेंस लेने। तो क्या करते थे लोग, अपने पैसे को खेल लो, खेल ये तो मिलेगा नहीं, और ले ले पीछे से, ठीक है। हाँ अभी अभी दे लो। लोग क्या करते थे, अपने पैसे को बैंकों में जमा करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो इससे हुआ क्या, एक्चुअली हमें पता है, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिफ्थ क्लास हमारी फाइनेंशियल मार्केट की, कि पैसे का सबसे अच्छा यूज तो कहां पर है, पैसे का सबसे अच्छा यूज कहां पर है, बिजनेसमैन के पास, है ना। अब वो पैसा बिजनेसमैन के पास डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा, बैंकों के थ्रू पहुंचेगा, राइट। तो डायरेक्टली क्यों नहीं पहुंच रहा, तो लोगों से एक सर्वे किया गया, मैं बात करूं आज से 40-50 साल पहले, कि तुम लोग स्टॉक मार्केट में, मतलब कंपनी के शेयर्स क्यों नहीं खरीद रहे हो। तो सब लोगों ने बोला, सब लोगों ने बोला कि हम लोग शेयर्स तो खरीदना चाहते हैं, हम लोग शेयर्स तो खरीदना चाहते हैं, बट वॉट प्रॉब्लम इज कमिंग, कि हम शेयर खरीद ले, हम शेयर, प्लीज देखो नाम लिखना है इसमें, इतनी बातें क्या है, अपने आप कहते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो, हम लोग शेयर तो खरीद ले, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें, कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा पैसा क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि जब अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हो, तो आपको पता है आप दो प्रॉब्लम फेस करोगे। पहली प्रॉब्लम, आप जब चाहो उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मनी में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी के पास जाओगे, बायबैक कर दो, वो करेगी नहीं। और दूसरे प्रॉब्लम कि डिविडेंड भी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, वो भी गारंटीड नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जब सेकेंडरी मार्केट नहीं होती थी, तो लोग क्या सोचते थे कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, ऐसा करता हूं मैं बैंक में डाल देता हूं, वहां से चिंदी 5-6% मिलता रहेगा, एटलीस्ट मिलता तो रहेगा। और दूसरा, जब मन करेगा पैसे में कन्वर्ट करने का, बैंक जाओ एफडी तोड़वाओ, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो लोग ना इसमें इन्वेस्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अब इससे क्या हो रहा था, इकोनॉमी कहीं ना कहीं डूब रही थी। तो ये समझ में आया कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ जहां पे लोग अपनी सिक्योरिटीज लाके उसको एक्सचेंज कर सके, भाई बेसिकली मैं क्या चाहता था कि जो मेरे पास बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, इक्विटीज है, उसको मैं जब चाहूं वो कर लूं लिक्विड कर, मतलब जब मुझे पैसे की जरूरत पड़े तो मैं उसको जाके कहीं बेच लूं और पैसा ले लूं, यही तो चाहते थे हम लोग। तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसका हल निकाला और लोगों ने कहा कि अगर आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहां आप आओ और अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज वगैरह को बेच सको, तो क्या आप इस मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। सबका यूनानिमस आंसर आया यस, हम तो करना चाहते हैं क्योंकि रिटर्न्स तो ज्यादा है बैंक से, बैंक में 4-5% है, यहां 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, सब रिस्क है लेकिन रिटर्न्स तो ज्यादा है, तो हम तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबका यूनानिमस आंसर आया हां जी हम करेंगे। तो अब इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, सबसे पहले हो गया, सबने नाम लिख दिया, किसी का नाम तो नहीं रह गया, पास कर। सबसे पहले क्या हुआ, दिल्ली में आपको पता ही होगा, हर कंट्री मतलब हर स्टेट के कुछ बड़े लोग होते हैं, बड़े इन द सेंस कि जिनका बहुत नाम चलता है ना, दिल्ली में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बहुत नाम चलता है, उनके दिल्ली में सोशल सर्कल में नाम है, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको इसका हल निकाल के देखें। तो एक दिन क्या हुआ, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया कि जो भी लोग अपने कोई भी शेयर बेचना चाहते हैं वो कल सुबह एक जगह बनाई, चांदनी चौक में कोई जगह थी, यहां 9 बजे आ जाएगा। एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया दिल्ली में, दिल्ली के, और जो लोग खरीदना चाहते हैं शेयर, जो पहले किसी वजह से नहीं खरीद पाए, जब आईपीओ आया कंपनी के शेयर आए, वो भी आ जाना। ये हुआ, एक ऐसी सभा बैठी जैसे आप लोग बैठे हो एक ऐसी रूम में, जो वो लोग थे पावरफुल लोग थे वो यहां बैठ गए 5-6 लोग, ठीक है। जो लोग थे उनको बोल दिया जो खरीदना चाहता है वो इधर बैठ जाए, जो बेचना चाहता है वो इधर बैठ जाए। फिर बेचने वालों से पूछा, हां जी भाई आपके पास कौन सा शेयर है, उसने कहा जी मेरे पास पीएनबी के शेयर है। उसने बोला कितने का बेचना चाहते हैं, तो उसने बोला जी मैंने इतने का खरीदा था मुझे इतने का बेचना है। तो बोली लगनी शुरू हुई कि ये 500 शेयर बेचना चाहते हैं 25 रुपए का एक है, मैं बात करूं 40-50 साल पहले, तो उस टाइम पे 25 रुपए बहुत था। तो बोली लगनी शुरू हुई, जिसने बोला हाँ फाइनली हुआ, उन्होंने बोला जी मैं इसके लिए 130 रुपए दूंगा, खड़े हुए। फिर उन दोनों को बोला जी आप जाके इसको ट्रांसफर कर दो इसके नाम पे। ये क्या था, शेयर सर्टिफिकेट था, याद करो 30-40 साल पहले शेयर सर्टिफिकेट था। तो शेयर सर्टिफिकेट इज जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी पेपर, एक घर के कागज जैसा है, वो प्रॉपर्टी है वो। तो क्या होता था, कोर्ट चले जाओ तुम दोनों कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में इसके नाम ये करा दो, जो होती है नोटरी जिसको कहते हैं, शायद आपको पता हो ना, जहां रजिस्ट्री होती है, ये इसके नाम कर दो, ये आपको चेक दे देगा, वो आप लेगा, खत्म। ये हुआ, ऐसे ही सबका मतलब सबको, जिसको खरीदना था उसको भी मिल गया, जिसको बेचना था उसको। देखम देख ये जब काम शुरू हुआ, इतना इसमें, जैसे ये क्लासेस जब हमने शुरू की थी ऑफलाइन, वो छोटे कमरे में हम आ जाते थे,
लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा ऑफलाइन क्लासेस में। आज देखो एक बेचारे को यहाँ बैठना पड़ रहा है, ठीक है, आप वहां बैठते थे बीच में, आज आप यहाँ बैठे सेक्लूडेड आइसोलेटेड से। तो पॉइंट क्या है कि डिमांड बढ़ी, ठीक है ना, धीरे धीरे दिल्ली में चंडीगढ़ से लोग आने लग गए सुबह बेचने शेयर, खरीदने शेयर, क्योंकि आना आपको दिल्ली में पड़ेगा ना, स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली की थी, धीरे धीरे बहुत बड़ा। तो और स्टेट्स ने भी ये काम शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ लोगों ने अपनी इस बिजनेस, ये बिजनेस ही बना लिया, ये जो लोग थे इन बेसिकली इन लोगों को कुछ चाहिए नहीं था, ये बहुत रसूख होता ना, पावर वाले लोग थे, इनका बहुत नाम था, कुछ इनको पैसे नहीं चाहिए थे कि ये बिजनेस करके कुछ प्रॉफिट कमाना है, इनको बस अपना और नाम चाहिए था। होते ना पंचायत नहीं होती जैसे गाँव की, उनको कुछ पैसे थोड़ा मिलते हैं लेकिन उनका नाम होता है, उनकी इज्जत होती है, वैसे ये लोग थे, इनकी इज्जत बन गई थी। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुई, फिर थोड़े दिन बाद जयपुर स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुई, फिर चंडीगढ़ स्टॉक एक्सचेंज, फिर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। तो एक एक जगह होती थी जहां आप जा सकते थे, अपने शेयर्स को बेच सकते थे, समझ में आ गई बात। अब कुछ स्टेट्स ने तो अपनी ये रजिस्टर करवा लिया था, जैसे बिजनेस था तो उसको रजिस्टर करवा लिया, एक तरीके का ये बिजनेस शुरू हो गया, इसको रजिस्टर करवा लिया। कुछ स्टेट्स बिना रजिस्टर के ही चल रही थी, जैसे मैंने कहा ये लोग बहुत पावरफुल होते थे, तो जो ये बोल देते थे ना, जैसे मैं चला रहा हूं तो मैंने बोल दिया ठीक है आप अपना शेयर उसको बेच दो, तो बस फाइनल है, फुल एंड फाइनल, कोई इफ एंड बट नहीं कर सकता था क्योंकि हम इसके कहता रहता है, समझ में आई। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली है क्या, कुछ लोगों की चलाई हुई एक सभा, ठीक है, कुछ लोगों की चलाई हुई एक सभा जो किसने सेटअप की गई थी, जिस वो सेटअप की थी किस चीज को चलाने के लिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स में असिस्ट करने, समझ में आई बात। अब मैं इसमें यहां लिखता हूं, प्लीज नोट्स बंद कर दो, प्लीज, एक डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, मैं अपने तरीके से आपको याद कराऊंगा, प्लीज नोट्स को बंद कर। तो यहां देखिएगा, व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज है क्या, स्टॉक एक्सचेंज इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब कुछ लोगों की चलाई हुई एक सभा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इसका क्या मतलब हुआ, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का क्या मतलब हुआ, कुछ कह रहे थे आप क्या, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही यही। तो वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का मतलब कुछ स्टेट्स की रजिस्टर्ड थी, कुछ की अनरजिस्टर्ड ही चले जा रहे थे, ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस, इसका क्या मतलब हुआ, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, क्या मतलब हुआ इसका, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हाँ एक साथ लाना, हाँ कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब क्या, बनाई क्यों गई, उसको सेटअप क्यों किया गया, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ क्या, तीन चीजें, असिस्ट करना, लोगों को असिस्ट करना, रेगुलेट किया जैसे मैंने जो फाइनल है जो बोल दिया वही, एंड कंट्रोल करना, झगड़े भी हो जाते थे, बोली लगती है, बोली में झगड़े भी हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करना, तो तीन चीजें, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, द बिजनेस ऑफ, द बिजनेस ऑफ, द बिजनेस ऑफ क्या, किस चीज का, बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग, बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज, समझ में आई बात। अब देखो बच्चों, इन तीन वर्ड्स को याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म ARC, इसको ऐसे याद करना, आर्क याद रखना, ये वर्ड तो आपको याद आ जाएगा, तीन वर्ड्स है, असिस्टिंग रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग, ठीक है, और ये बी, इसको BDS कर लो, BDS, कभी कभी आप भूल जाते हो कि क्या थे, मैंने खुद ऐसे याद कर रखा है, बाइंग डीलिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एक ही बात है, बाइंग सेलिंग डीलिंग कर लो, बाइंग डीलिंग सेलिंग कर लो, एक ही बात, समझ में आई बात। ये डेफिनेशन एक एक्ट ने दी थी जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, एक मिनट में बात सुनिए, 1956। बच्चों देखो, अगर तो ये नाम याद हो जाए तो मोस्ट मतलब वेरी गुड, इससे तो बढ़िया बात ही नहीं है, अगर ये याद ना हो तो आप लिख देना अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, अगर ये भी याद ना हो तो लिख देना अकॉर्डिंग टू एक्ट 1956, अगर ये भी याद ना हो तो लिख देना अकॉर्डिंग टू एक्ट, अगर ये भी याद ना हो तो लिख देना अकॉर्डिंग टू लॉ, फाइनल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, खत्म, ठीक है, गलत मत, इट्स बेटर कि आप ना लिखो देन गलत लिखो, समझ में आया। तो ऑप्शन क्या, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ईयर याद नहीं होता, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये भी नहीं होता, रेगुलेशन हटा दो, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी नहीं होता अकॉर्डिंग टू एक्ट, ये भी नहीं होता अकॉर्डिंग टू लॉ, बस करो, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन याद करने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने हमेशा आपको बताया कि मैथ डिवीजन ऑफ वर्क बहुत यूज करता हूं, ये डिवीजन ऑफ वर्क है, इतनी बड़ी डेफिनेशन है, तोड़ तोड़ के याद करेंगे, पहले मैं बोलूंगा एक दो बार, फिर आप बोलेंगे, ठीक है, नोट्स किसी के नहीं ओपन होंगे। तो देखते हैं, व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, इट इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, पहली लाइन,
constituted for the purpose of, दूसरी लाइन, assisting, regulating and controlling, तीसरी लाइन, the business of, तीसरी लाइन, buying, dealing and selling of securities. समझ में आ गई? एक बार फिर से बोलता हूँ, फिर आप बोलेंगे, मैं पूरा बोलूंगा. ऑनलाइन वालों को भी समझ आ रहा है, दिख भी रहा है ना सही से, डेफिनेशन क्लियर है ना. अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, पहली लाइन. कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, दूसरी लाइन, आर्ट असिस्टिंग रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग डीलिंग एंड सिक्योरिटी सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. समझ में आई? समझ भी आई? स्टॉक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वो लोग है, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट समझ में आ गया, कॉन्स्टिट्यूटेड समझ में आ गया, असिस्टिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ. आप लोगों में से कितने बच्चों ने गुरु मूवी देखी है? अभिषेक बच्चन वाली देखिए, बस दो ही बच्चों ने देखिए. चलो फिर मैं उसका एग्जांपल ही दे सकता, मतलब उसके मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ. अगर आप लोगों को बताओ, पहले कपड़ा जो था, कपड़ा उसकी ट्रेडिंग कैसे होती थी, तो कपड़ा जो मार्केट होती है ना, वहां पे ऐसे ही होता था, बिल्कुल जैसे शेयर बिकते थे वैसे पहले कपड़ा बिकता था. क्या होता था, और ये एक्चुअली धीरू भाई अंबानी की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में है. तो एक कुछ लोग यहाँ खड़े होते थे, फिर यहाँ पे वो लगते थे, मतलब बोलना शुरू करते थे, कितना है तुम्हारे पास रॉ सिल्क, इतना थान है मेरे पास, वो बेचना है. ऐसे ही होता था, बिल्कुल वैसे ही पहले शेयर्स भी बिकते थे. आप लोगों ने वो जैसे अगर वो देखा हो, कौन सी थी वो भी, हो स्कैम 92, तो उसमें आपने देखा था ना, बिल्कुल वही चीज, वो यही तो दिखा रहे, वो एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ता था. समझ में आ गई? चलिए अब इसको याद करने की कोशिश करेंगे. एक बार देखिए आप, फिर मैं आपसे बुलवाऊंगा. पहले आप इसको देखिए. किसकी बेटी है यहाँ? तो कोई बेटी बूटी नहीं लिखा मैंने, बेटियों की बात बात में करेंगे. चेहरे पे खुशी, अरे ब्लश कर रहा है बेटी का नाम सुनते. हो गई याद सबको? हटाओ. देखो बेटा, अब मैं बुलवाऊंगा, और अगर अब आप नहीं बोल पाए तो फिर साईं बाबा ही देखेंगे. एक और ले लो, दो मिनट और ले लो. जो नहीं बोल पाया, मास्क नीचे करके बुलवाऊंगा. ये अंदर ही मत करते रहना, मास्क नीचे करके बुलवाऊंगा. जो नहीं बोल पाया उसको ऐसा शराब दूंगा, ऐसा शराब दूंगा कि कभी मतलब बस उठ नहीं पाओगे. याद है? यस बेटा, यस बेटा, बोलो बेटा. सर तो बोला ना किसी ने? हाँ हाँ, चंदन जी नहीं बोला. नहीं याद हुआ, जल्दी याद करो, चलिए आपको चल हो गया. और सबको सबको बताए, सबसे पहले मैं किससे पूछूंगा? हाँ, खड़े करके पूछूंगा, इंडिविजुअल के सब मुझे. तुझे क्या लगे सबके साथ मैं भी घूमू मुम्मू कर लूंगा? हमेशा की तरह कर लूंगा ना, आज हमेशा की तरह, आज सब अपना अपना. हाँ चलिए जल्दी से, लास्ट एक मिनट है आपके पास. और ऑनलाइन वालों, तुम भी, तुम्हारा शराब यहां से भी आ जाएगा बेटा. पहला नाम इसका है और दूसरा नाम भी, बस पता ये सबको आप आ ही जाएगा. चलिए हो गया, हटाओ मैं इसको. चलिए अब सबसे पहले बोलेंगे वन एंड ओनली, खड़े हो जी. शराब नहीं दूंगा, अगर चल दू 80% भी बोल. वाह, ये कैसे फ्रॉम टू बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. ये खत्म है भाई तपस्विनी, आई एम रियली सॉरी तपस्विनी, आई एम रियली सॉरी. आपका एक भाई आपके साथ आगे नहीं जा पाएगा, आई एम रियली सॉरी. सुन लिया बेटा तीन बार? बॉडी 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 बॉडी, क्या बॉडी, आगे तो बड़ बॉडी से. वैसे क्या फाइनेंशियल मार्केट इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? बंद कर बंद कर, थोड़ा सा नहीं भूल रहे, थोड़ा सा ही याद हुआ आपको. आप खड़े रहिए, इधर आ जाइए, आप इधर लेके बैठिए, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ. चलिए आप बताइए, सहज खड़े हो जाओ. हाँ चल कोई नहीं, बोल, बिल्कुल भी याद नहीं, खड़े जाओ, खड़े जाओ, बहुत टाइम दिया था. चलो यश, अरे वाह, इसको पता था इसका नंबर आने. बोल नीचे का, इसको नीचे का क्या बोला? अकॉर्डिंग टू, वेरी गुड वेरी गुड.
अच्छा अच्छा खड़े रहिए, आप बताइए बच्चे, मानव 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 ए देखे देखे बेटा गया गया तू खत्म है तू बोर्ड में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भाई वहीं खड़े हो श्रद्धा श्रद्धा आप बताइए। देखो बेटा सब खड़े हो रहे हैं यहाँ पे अब तुम ऑनलाइन वाले बड़े हंस रहे हो ना अभी देखने तुम्हारा नंबर आएगा बोलो बेटा आज आज यहाँ आज हाँ जी बेटा सिक्योरिटी एक्ट 1956 आगे ओके रेगुलेटेड हाँ ये बड़ा गलत हो गया उन्होंने आधा तो बोला अच्छा चलो ठीक है आगे बोलो आगे बोलो सही है तो अभी चॉकलेट मिलेगी आपको गोल्ड कॉइन बैठ गया चलिए ठीक है ओके बच्चों लास्ट मैं पूछने जा रहा हूं मग्गू जी से अब भैया अब हंस रहे थे आप बड़े हैं चलो अकॉर्डिंग टू द लॉ कॉन्स्टिट्यूटेड गलती की ना मैंने द बिजनेस ऑफ बिल्कुल बैठिए बेटा आप लोगों को कल ये डेफिनेशन 20 बार लिख के लाना और अगर कल या तो आना मत अगर आओ तो ये 20 बार लिख के लाना वरना आना ये आपके ऊपर देखो नाम क्या क्या नाम है इनके नाम में यहाँ लिख दो तो क्या नाम है इसका ये चिकना सहज यश और मानव ठीक है याद रखना बच्चों कल इनके डेफिनेशन चेक होगी बैठ बैठ चलिए ओके बच्चों अब इस वक्त क्लास में 26 बच्चे हैं ठीक है आवाज आनी चाहिए यूनानिमस सबकी जो नहीं आएगा भगवान देख लेगा अकॉर्डिंग टू बोलिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन आप भी बोलिए आप भी बोलिए चलिए एक्ट 1956 स्टॉक एक्सचेंज इज अ ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग सेलिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योर याद हो गई मजेदार चलिए ठीक है ओके बच्चों अब आप चारों को तो लिख के लाना ही है आई एम सो सॉरी आपको कल 20 बार लिख के लानी है डेफिनेशन आइए अब हम कहने जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन हमें इस टॉपिक पर से करना है अब वो है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अभी भी मैं बीच में किसी भी खड़े करके पूछ सकता हूँ बेटा प्लीज दो ये मत सोचना कि हो गया अभी भी पूछ सकता हूँ उसके भी 20 बार हो जाएगा ध्यान रखना ओके बच्चों तो सबसे पहले नोट्स को तो बंद कर दो इधर ध्यान देंगे सिर्फ हेडिंग्स की बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा समझाता रहूंगा साइड में पहला फंक्शन क्या है स्टॉक एक्सचेंज का कि ये बेटा पुलिस बुला रहे तू इतने से काम करे भाई माफ कर तू तू चल तू तू 25 बार लिख लियो बस खुश ठीक है यार तो ऐसे बक्कर नीचे बंदे बुला लिए आ बेटा चेन वेन भी पहन के लाओ आ तो मैं करके रहूंगा पर चलो यहाँ पे भी कुछ लगा के नकल्स में क्या होता है वो लगा देना प्लीज माफी माफी चाहता हूँ ओके चलिए शुरू करते तो सबसे पहला फंक्शन एक्चुअली मैं अपने स्लैंग के हिसाब से लिख रहा हूँ ठीक है सब मैं अपने हिसाब से लिखूंगा पहला क्या है सबसे पहले आपको क्या लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज का पहला फंक्शन क्या बिल्कुल सही बोला भाई बिल्कुल सही बोला प्रोवाइडिंग मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज एक जगह देते हैं जहां आप आ सकते हो अपने सिक्योरिटीज को बेच सकते हो सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल ही सही बोला हमारे प्रमोद साहब ने प्रोवाइडिंग मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी बेटा ऑनलाइन वालों को भी समझ आ रहा है ना टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज कोई भी डाउट हो तो प्लीज डो नॉट हेजिटेट अच्छा बच्चे एक बात बताओ यहां पे सिक्योरिटीज का प्राइस कैसे सेट हुआ हुआ कहां पे इस जगह पे जैसे जैसे बोली लग रही है बोली डिमांड एंड सप्लाई तो क्या मैं सेकंड बोल सकता हूं हेल्प्स इन प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज यस और नो ओके अब तीसरा बेटा एक बात बताओ आपने शेयर्स इनको बेचे इन्होंने शेयर्स उसको बेचे उसने शेयर्स उसको बेचे इससे क्या हुआ मनी जनरेट हुआ इकोनॉमी में वो पैसा आपने उस जैसे मान लो आपने शेयर्स इनको बेचा आपके पास कुछ पैसा बना आपने उस पैसे से फिर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो इस सबसे हो क्या रहा है फ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है कहां पैसा जा रहा है जिससे देश का इकोनॉमी बढ़ेगी जीडीपी बढ़ेगी तरक्की होगी तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस मार्केट हेल्प्स इन कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ यस और नो
helps in contribution to economic growth. अब बच्चों ये समझना, ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे आप जुआ भी खेल सकते, लेकिन ये वो महाभारत वाला नहीं कि कुछ भी लगा दो तुम, कुछ नहीं बचा दो द्रौपदी बीवी को लगा दियो, नो, यहां पे लीगल जुआ है। आप लीगल जुआ खेल सकते हो जिसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन। मैं बताता हूं क्या होता है, थोड़ा सा समझ। भाई ने जन कोई मजाक नहीं, आज मैंने सोचा कि आज मैंने इतनी अंदर मैंने इतना वो कर रखा काबू की तरह, आज मैं मजाक नहीं, ठीक है भाई ने, इट इज डिफिकल्ट, आप सामने हो तो अपना आप ही निकल आता है, ठीक। भाई ने एक इसके साथ एक डील की और कहा कि मैं आपको आपसे कल 500 शेयर खरीदूंगा, कोई भी ले लो SBI ले लो, 500 शेयर खरीदूंगा SBI के। इसने इसके साथ डील की और उसने कहा प्राइस हम 8 सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक बंदे ने, एक स्मार्टी ने, ठीक है, दूसरे बंदे से बोला, तो ये जो भी दक्ष ने प्रमोद से बोला कि मैं आपसे कल 500 शेयर खरीदूंगा SBI के, प्राइस हमने 8 सेट कर लिया 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। अब इसने ये डील इसलिए की, इसने ये डील इसलिए की, इसको लग रहा था कि कल इस शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मैं आपसे खरीदूंगा, आपने बोला ना, हाँ एक मिनट, बढ़ जाएगा। इसने डील इसलिए की, इसको लगा कि कल इसका प्राइस बढ़ जाएगा, और इसने डील इसलिए की क्योंकि इसको लगा कल इसका प्राइस गिर जाएगा तो मैं तो 20 का बेच दूंगा। यही तो होता है जुआ, जुआ में हर बंदा अपने वो चलता है, गट फीलिंग से चलता है, एक का गलत होता है एक का सही होता है गट फीलिंग। मान लीजिए ऑब्वियसली हारेगा कौन, यही हारेगा। कल क्या हुआ, कल इसका प्राइस क्या हुआ, कम हो गया। अब इसको तो कुछ नहीं, इसको तो 20 का खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, इसने इससे 20 का खरीदा, जो चीज मार्केट में 18 की मिल रही थी, और ये बंदे ने एक चीज जो 18 की बिक रही थी वही चीज इसने कल 20 की बेच दी। इसको क्या कहते हैं, ये जुआ ही तो है। आप जुआ कैसे हुआ, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो आज, यस और नो, ये जुआ क्यों है, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, बट ये कंट्रोल्ड जुआ है। इस पर आप ये घर दाव पे लगा दिया, बीवी दाव पे लगा दी, बंदी दाव, ये नहीं समझे, अपना जितना है उतना ही कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए ये कंट्रोल्ड मैनर में होता है। समझ में आ गई बात, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब किसी चीज की, नहीं स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, एक लाइन में स्पेक्यूलेशन का मतलब प्रेडिक्शन। तो आप आज बैठ के कल की प्रेडिक्शन कर, यस और नो, तो ये क्या हो गया, स्पेक्यूलेशन। तो फोर्थ क्या हो गया, प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। समझ में आ गया बच्चों, ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में, ओके। हाँ अब देखिए बच्चों, सेफ्टी। अब बच्चों जैसे मैंने आपको बताया भी था, पहले भी बताया था, मैं कल इसको डिटेल में करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है ना, वहां पे ना आप ऐसे जाके शेयर नहीं बेच सकते, आपको उस मार्केट का मेंबर बनना पड़ता है। याद मैंने कल मैं डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा आज बताया तो, और उसका मेंबर बनने के लिए मिनिमम आपको 50 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, ठीक है। अब अगर मेरे पास 50 लाख रुपए है तो मैं पागल छोड़ दूं कि मैं मेंबर, पहले मैं 50 लाख रुपए रख के मेंबर बनूं फिर मैं कुछ ना करूं, है कि नहीं। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो मेंबर बना हुआ है उसके मेंबरशिप कार्ड को लेके मैं अंदर चला जाता हूं और मैं खेल लेता हूं। भाई मेंबर के थ्रू ही आप जा सकते हो अंदर, समझ में आ रही है बात, ये बात समझ में आई। स्टॉक एक्सचेंज ना ऐसे मान लो एकदम एक वो कहते ना बड़ो रईसों का गेम है, ठीक है। अब उसमें ये नहीं है, क्लब है, तो उसमें ये नहीं है कि आप कह रहे हैं हमारा तो है नहीं लेना था कुछ यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे गोल्फ वगैरह होता है, वहां पे आपको मेंबरशिप क्लब में मेंबरशिप लेने की लाखों रुपए होते हैं। अब मैं तो नहीं ले सकता वो लाखों रुपए, बट है मेरा कोई दोस्त, मेरा दोस्त क्या मेरे है ही, मतलब मुकेश का ही अपना ही क्लब है, ठीक है। तो अपना उनका क्लब है तो मैंने उनके मेंबरशिप को लेके मंदिर चला गया, यस और नो, समझ में आई बात। अब पॉइंट क्या है, जिसकी मेंबरशिप मैंने यूज की अंदर जाने के लिए, ये सेफ्टी है मेरे पास कि वो बंदा मेरे पैसे लेके नहीं भागेगा। मैंने उसको थोड़े पैसे भी दे रखे, मैंने कहा तू ये पैसे रख, मेरे 10 लाख रुपए रख, मैं देखो फोन पर बताता रहा करूंगा, तो मेरे शेयर खरीद लिया करियो जब मैं देखो फोन पर बोलूं। तो ये सिक्योरिटी मेरे पास है कि वो मेरे 10 लाख रुपए लेके नहीं भागेगा। और ये सिक्योरिटी मुझे कौन दे रहा है, सेबी नाम की एक गवर्निंग बॉडी, कि अगर आप हमारे रजिस्टर्ड लोगों के पास जाके मेंबरशिप ले रहे हो, उनकी मेंबरशिप यूज कर रहे हो, जो हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं जिनका आप नाम हमारी साइट पर जाके देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से देता हूं। आप आज SBI में चले जाते हो, PNB में चले जाते हो,
HDFC में चले जाते हो, RBS में चले जाते हो, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, इन सब में अगर आप चले जाते हो तो वहां जाके आप कितने ही पैसे अपने जमा कराए तो क्या सिक्योरिटी है? मतलब आप किस विश्वास पे कि ये पैसा इंप्लॉइज लेके नहीं भागेंगे? कौन सा विश्वास है? क्या विश्वास है बताओ? RBI सही कह रहे कि नहीं? RBI का एक वो है कि यार अगर कहीं दिक्कत हुई, अगर कोई सी बैंक ने फ्रॉड किया तो RBI उस फ्रॉड को हमारे पूरा करेगी, है ना? वही चीज यहाँ पे। अगर आप सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को यूज करके आप अपने शेयर्स खरीदते या बेचते हो तो एक सेफ्टी है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। मतलब अगर आपका शेयर ऐसा था जो डूब गया वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पैसा चोरी हो जाएगा, आपका आपके शेयर आपसे बिना पूछे बेच देंगे, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये आपको एक सिक्योरिटी दे रही है, एक एश्योरेंस दे रही है सेम। समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्या हो गया? सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट हो गया हमारा सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। एंड लास्ट पॉइंट क्या हमारा? हाँ देखो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आज से कुछ साल पहले, और इसको मैं लूंगा 2000 स्टॉक मार्केट के बनने के बाद भी, ये लोग कौन लोग आते थे इस मार्केट में? जो थोड़े पढ़े लिखे होते थे, जो थोड़े से फाइनेंस से रिलेटेड होते थे, है ना, जिनको थोड़ा बहुत फाइनेंस समझ। लेकिन आज की डेट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इनफैक्ट मैं नो ऑफेंस टू एनी बडी सिटिंग ओवर हियर, कोई जेंडर बायसनेस मैं नहीं कर रहा, लेकिन हाउसवाइफ भी जो मतलब एक घर संभाल रही है सब कुछ है, वो भी आज अपने जो छोटी छोटी सेविंग्स वो कर रही है उससे भी वो शेयर्स खरीद रही है। क्यों खरीद रही है वो बताता हूं, और कैसे खरीद पा रही है वो बताता हूं। आप जैसे बच्चे जो है, अभी तो आप 18 साल के हो जाओगे, विद इन सम मंथ्स आप हो जाओगे, अगले साल से आप कॉलेज चले जाओगे, तो आप लोगों का भी कुछ लोग साइड पे इंटर्नशिप करते हैं, वहां से पैसा आया, आप उससे शेयर खरीद रहे हैं। तो मतलब हुआ क्या, बेसिकली लोगों में इस मार्केट के प्रति जो वो था, एक डर था, हेजिटेशन थी, वो हटी और लोगों में इस मार्केट को लेके वो आया, पॉजिटिव वाइब्स आई। क्यों आया? कॉन्फिडेंस आया। क्यों आया? क्योंकि डर खत्म हो गया। अब क्या है कि मान लो हमने शेयर खरीद लिया, मान लो डूबने भी लगा तो हम बेच देंगे उसको, ये सुनो, पहले तो ये था ना, बेचेगा। अब वो डर खत्म। अब मैं आपको सीरियसली बताता हूँ कि अब वो लोग जो पहले इस मार्केट की तरफ झांकते भी नहीं थे वो भी आने लगे। जैसे आजकल बड़ा ही सिंपल हो गया ना, आजकल आपको क्या करना है इस मार्केट में एंट्री करने के लिए वो कल बताऊंगा, बट एक लाइन में बताता हूँ। आपको सिर्फ एक बैंक के पास जाना है, और वो भी नहीं जाना, आज तो बैंक वाले घर आ जाते, वो घर आ जाएगा, आपका बैंक अकाउंट भी खोल देंगे, डीमैट अकाउंट भी खोल देंगे, और आपका काम शुरू, बस खत्म काम, ये इतना सा करना है आपको। घर बैठे बैठे आपको आपको पैसे डालने अपने बैंक में, और उनसे बोलना है कि वो शेयर खरीद लो, वो फोन पर आपके शेयर खरीद लेंगे, दो आप शाम तक अपने डीमैट अकाउंट पर शेयर देख लेना। इट इज सो सिंपल, आपको घर से निकलना ही नहीं है। तभी मैंने कहा कि जो हाउसवाइफ है, जो घर संभाल रही है, वो आधा घंटा बीच में निकाल के शेयर खरीदने लग गई है। और हो रहा है ऐसा, एक ऐसा सेगमेंट जो पहले कभी इस मार्केट को देखता ही नहीं था वो भी आ गया। बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स है जो बीकॉम में पढ़ते हैं, वो भी बोलते हैं सर अब थोड़ा हमने शेयर कर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आप एक शेयर खरीद लो, किसने मना किया? आप एक शेयर खरीद लो, 100 रुपए का शेयर खरीद लो, बस एक शेयर खरीद लो, आप उस पर डिविडेंड मिलता रहेगा आपको। मैं कह रहा हूँ कुछ तो कमाओगे, जैसे ना कुछ सीखोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें अब शुरू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मार्केट के आने के बाद, प्लस जो आजकल इतनी पब्लिक वो हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, वो आप देखते हो ना, हर वक्त एक एड आता रहता है म्यूचुअल फंड्स, इट इज रिलेटेड टू सेकेंडरी मार्केट ओनली। म्यूचुअल फंड आप तभी तो खरीदोगे जब आप उसको बेच पाओगे सेकेंडरी मार्केट में। तो आजकल लोगों में इसको लेके क्या बढ़ रही है? अवेयरनेस। और लोगों में क्या बढ़ रहा है? जो एक कल्चर है, लोगों में पहले क्या था कल्चर, अगर पैसा बचा बैंक में डाल दो, अब वो नहीं है। अब अगर पैसा बचा और रिस्क लेने की क्षमता है तो आओ मार्केट, ठीक है ना। अगर मैं पैसे रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरे को नहीं लेना, तो बैंक ही है आज भी सबसे सेफ ऑप्शन, क्योंकि बैंक में कुछ भी हो जाए आपको 5% की रिटर्न मिलती रही। FD का आज का रेट 4.5% का मिल रहा है आज भी, जबकि आज सबसे लीस्ट रेट है आज का। आज मैंने तो, मैं खुद बताऊं आपको, आज से 10-15 साल पहले 12% की रिटर्न मिलती थी FD पे, 12%। ये HDFC बैंक 12% रिटर्न देता था, लेकिन आज वो 4% है, लेकिन वो भी गारंटीड तो है ना, मतलब मैं कुछ कमा के ही जाऊंगा ना, ये तो नहीं है ना डूब जाएगा। तो आज भी बैंक इज द सेफेस्ट मोड, लेकिन मैं रिस्क लेना चाहता हूँ तो आप इधर आ सकते हो। तो लास्ट क्या हो गया? स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर, मतलब लोगों में इक्विटी को लेके एक वो बढ़ा, क्या कॉन्फिडेंस, या उनका एक वाइब्स, एक पॉजिटिव वाइब्स आई इक्विटी में इन्वेस्ट करने से। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो ये 6 पॉइंट है हमारे। मतलब मुझे ऐसा सा लग रहा है कि डेफिनेशन आप लोग भूल गए हो, है ना, जो अभी की थी ना थोड़ी देर पहले, ए बस सब बोलते हैं, सब बोलेगे सब, ठीक है सब। तो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 बोले, एक्सचेंज इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ
बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योर। समझ में आ गया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अब इसको याद करते, ये 6 पॉइंट है इस वक्त। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, मैं लास्ट संडे पैसिफिक मॉल गया था किसी वजह से, मतलब किसी का फंक्शन था। तो क्या हुआ, उधर भी अब मॉल में तो आप मास्क पहन के नहीं घूम रहे ना, थोड़ा सा आधा नीचे जैसे आप लोगों का भी है, वहां पे पुलिस वाले आते और उन्होंने मतलब मेरे को तो किसी ने बता दिया कि भैया आगे पुलिस वाले घूम रहे। मैंने ऊपर कर लिया मास्क, देखिए हाथों हाथ एक बंदे का 2000 का चलान। मैं सोचा उस बेचारे का दुख देखो, वो बेचारा मॉल में आया बंदी के साथ मूवी देखने जा रहा था, वो पीवीआर पे, पीवीआर है ना, बेचारा जा ही रहा था, एस्केलेटर पे रख ही रहा था वो आगे साथ से। अच्छा साइड वाच है क्या कहा, नहीं हुआ सच्ची हुआ, मैं जोक नहीं बना रहा, वो जोक मैं सिर्फ इस पे बनाता हूँ, ये सच्ची हुआ। मैं कहने का मतलब ये है कि दो ऐसे कट रहे चलान तो ऐसे, ठीक है थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखिए। मैं बता रहा हूँ नीचे नहीं यहाँ आ सकते हैं, मैं बस भगवान की वही है कि नहीं अब नहीं, क्या होगा, क्या चलान कटेगा, बस चलान ही कटेगा और क्या होगा। ठीक है मैं आप लोगों को दो चार को आगे कर दूंगा, आप थोड़ा देख लेना, मांडवली कर लेना अपने तरीके से। ये नहीं जो आपका सेटिंग होती हो आप तो कर ही लेते हो सेटिंग। हाँ चलिए बच्चा, तो इसी से रिलेटेड कुछ पहन के भी नहीं आता क्या? अच्छा मास्क, अच्छा हाँ नहीं नहीं अपना एरिया क्या होता है बेटा ऐसा। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चलो बच्चों अब इसको याद करते हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ। अच्छा आप लोगों को एक बात पता है, तो बात से क्या केस पता है आप लोगों को, पता है आप लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूँ बड़ा मजेदार बात। ये बात है जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था लास्ट ईयर अप्रैल में की बात है, तो बात से अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, तो वो आगे बैठे, वाइफ तो आगे बैठेगी, अब ये तो है ही, अब ना कि वाइफ को बोलेगा कि चाहता तो हूं मैं तू पीछे बैठ जा, लेकिन ऐसे था, लेकिन वाइफ आगे बैठी हुई थी और उनको रोक लिया, मास्क लगा बता दोनों उनको रोक लिया, पुलिस वाले ने पता नहीं इसी चौक की बात है शायद रिसेंट वाले की, रोक लिया और बोला कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करो वाइफ के साथ और 500 रुपए का चलान कट गया है सर का, आप पूछ लेना सर। फिर सर ने भी, सर की भी मन की भावना है, कहते हैं कि घर में भी बाइक कराओ ना तुम सोशल डिस्टेंसिंग आके बाइक के साथ, ठीक है ये हुआ। अब देखो कैसे जगह से चलान कट रहा है, मेरा भी एक चलान कट रहा है, मतलब वो मेरे पास ना वो वाला मास्क है जिसका यहाँ पे है वो थ्रेड यहाँ पे होते हैं मतलब, ठीक है तो मैंने ऐसे में गाड़ी चलाया था तो मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया, थोड़ा हमारे को तो ना सांस लेने में भी दिक्कत, नीचे कर लिया यहीं बता थोड़ा आधा जैसे अभी इस वक्त आपका, ठीक है ऐसा था नहीं मैं तो बता रहा ऐसा था। और इसे इधर ही है जो दीपाली चौक है, मुझे रोक लिया, अब मैं भी था वाइफ के साथ, ठीक है बंदी निकलता वाइफ, ठीक है बच्ची भी थी, अब मेरे को भी रोक लिया, अब 500 रुपए मेरे भी ले लिए, दो चार गालियां हमने भी दे दी, भाई क्या ये क्या लगा लिया। तो मतलब इस वक्त वैसे मैं कह रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, वैसे भी अपनी प्रिकॉशन, ठीक है। तो इससे ही स्लैंग बन गया, इसी से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, पुलिस पीपल चार्ज पब्लिक फॉर वायलेटिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यस सर। और वैसे बताता हूँ होली वाले दिन जो ये मंडे को मधुबन चौक पे मैं निकल गया, ओ भाई इतनी पुलिस जैसे कोई टेररिस्ट आ जाने का, इतनी पुलिस तो मैंने कभी नहीं देखी मधुबन चौक पे, वो व्हाइट वाली भी जो ट्रैफिक वाली भी और नॉर्मल वाली भी खड़ी थी, गाड़ियों की गाड़ियां खड़ी थी, और तो क्या रोकने की कोशिश करते। चलिए तो जल्दी से याद करें कि पुलिस पीपल चार्ज पब्लिक फॉर सेफ्टी स्टैंड। वैसे मेरे मन में एक डाउट आ रहा है बच्चों, मान लो जैसे आपके मेन एग्जाम से मान मतलब है ही, और मान लो उसमें उस टाइम पे एक बच्चे को भी कोविड हो गया कहीं पे, तो वो तो एग्जाम देगा नहीं है ना, 14 दिन के लिए तो क्वारंटाइन है मान लो, तो फिर वो कैसे देगा एग्जाम, कंपार्टमेंट वाले है ना, वो होते 2 महीने बाद, और मान लो उस टाइम पे भी हो गया पॉसिबिलिटी है क्या, आपको कुछ पता है वैसे में क्या। अरे अच्छा मतलब ये क्या, अच्छा नहीं अच्छा आप कह रहे कि मतलब वो यही ऑप्शन है, मतलब उसको भी वो दे, लेकिन यार ये तो मतलब अच्छा एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, जैसे ऐसे रूम में बैठे हो थोड़े सोशल डिस्टेंसिंग में, अब एक बच्चे का हो रहा है पेपर खराब, इसका पेपर हो रहा है खराब, मैम भी भाग गई वहां से और ये अपना बैठ गया, ये भी तो हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है ये, मैम मतलब मैं मन में सोच रहा हूँ कि क्या ये फीसिबल है, और इसने एक और हरकत की आछी ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मतलब बहुत एक तरीके से ये है कि बड़ा रिस्की है, क्योंकि कल ही शायद वो बता रही थी
भूमिका है ना, भूमिका का भी कुछ ऐसा हुआ तो उसका स्कूल में वाइवा हुआ है अलग रूम में, तो यार ये तो बड़ी दिक्कत है। मान लो किसी पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट कर लिया, नीचे से कोई बच्चा जा रहा है तो थोड़ी सी मार दे रही है, नीचे पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि भैया तू हमारे ऊपर क्यों जा रहा है क्लास में, तो मुझे तो अभी भी बड़ा डर सा लग रहा है कि किस तरीके से इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे। जो आपका पॉइंट है ना, मुझे वो भी फिजिबल नहीं लगा, क्योंकि कंपार्टमेंट के पेपर होते 2 महीने बाद, तो 2 महीने के बाद पेपर होगा तो फिर कहाँ सही रहा, मतलब मेरे को सही समझ लगे। उत्कर्ष आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं कह रहा था वो तो बाय चांस अगर रूम में बैठे हुए हैं और किसी एक बच्चे को कोविड है तो वो बाकी सारे रिस्क में है ना। मैं वो ही तो कह रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगर एक बच्चे जैसे अभी एक आप लोग बैठे हुए हो, एक बच्चे को एक घर आया और उसको वैसे जैसे पेपर अच्छा नहीं हुआ, मम्मा बुखार लग रहा है, मम्मा से थोड़ा बुखार लग रहा है, तो वो पेरेंट्स भी तो पैनिक कर सकते हैं ना स्कूल में जाके कि तुम्हारे स्कूल में आने से ये हुआ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज को ये एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और महाराष्ट्र में कैसे करेंगे। मान लो महाराष्ट्र ऐसे ही बढ़ता रहा 1 महीने तक और बॉम्बे वगैरह, तो वहां कैसे करेंगे? पंजाब के पंजाब बोर्ड हो रहे अभी हो जाते उसके, वैसे इस टाइम पे हो जाते पंजाब बोर्ड। अच्छा अप्रैल वाले शिफ्ट कर दी उन्होंने, पहले शिफ्ट कर दी देखो, तो फिर वो जो एक यूनिफॉर्मिटी है सीबीएसई एग्जाम्स की वो कहाँ रहेगी, पता नहीं। देखो क्या मेरे को अभी मतलब अभी आप अपना मन मत बनाओ, अभी आप कुछ मत सोचो, लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ एक ये रखा है कि अगर आपके मम्मी पापा में से कोई या कोई हो जो सीबीएस जो टीचर टीचर हो उनके पास नॉलेज होती है तो अगर कुछ पता चले तो मुझे बताना जरूर कि इसके में क्या है। क्योंकि जैसे मैं सीए के बताता हूँ, अभी सीए के हुए थे नवंबर में, तो सीए में क्या हुआ कि उन्होंने 2 अटेम्प्ट के बीच में एक और अटेम्प्ट घुसा दी, इस बार नवंबर मई के बीच में एक जनवरी अटेम्प्ट भी आ गई कि जो बच्चे नवंबर में नहीं दे सके ड्यू टू एनी रीजन, जब उनका रेड जोन में एरिया था या कुछ भी था, वो जनवरी में दे दो, वो सीए में हो सकता है। लेकिन यार सीबीएसई तो उससे बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, सीए से तो डबल ट्रिपल लेवल पे सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं, तो वो कैसे कंडक्ट करेंगे? और सीबीएसई में क्या है, सीए में क्या 4 एग्जाम है 8 एग्जाम है, सीबीएसई में तो 30 दिन एग्जाम चलते हैं, आप लोगों के 5 सब्जेक्ट है, लेकिन वो असामीज ये पंजाबी पंजाबी वो हर रोज का एक एग्जाम होता है सीबीएसई का, वो कैसे कंडक्ट, वो भी तो मतलब कैसे उसको कंडक्ट करेगा, मुझे तो बड़ा डाउट लग रहा है उस पे। लेट्स सी भगवान किस तरीके से इसको करता है। आ ये समझ में आ गया, एक बार हेडिंग साहब करिए सर, कैंसिल होने के भी चांसेस हैं? नहीं सर, कैंसिल होने के कोई चांस नहीं, प्लीज आप इतनी खुशी मत बनाइए। कैंसिल होने के वो खुश कैंसिल तो नहीं हो सकते यार, कुछ ना कुछ पोस्टपोन कैंसिल पोस्टपोन या फिर ऑफलाइन, अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे, कल भी 1800 केस आए है ना, 1900 केस आ रहे, परसों ही कम आए थे 900 केस थे, तो अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो फिर दिक्कत है। देखो क्या होता है, एग्जाम्स बहुत नियर है, ऑनलाइन नहीं हो सकते, नहीं नहीं हो सकते ऑनलाइन, नहीं हो सकते क्योंकि सबको पता ऑनलाइन एग्जाम कैसे होते हैं, ठीक है ना। वो यही है, 100 में से 105 आएगी उसमें, तो वो ऑनलाइन नहीं होगी, या तो ये एक्सटेंड हो जाएगी आगे हो जाएगी या कुछ और इसका सिस्टम निकालेगा, वो पता नहीं क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा डाइसी है मामला। और हो सकता है कुछ भी ना सोचे, एग्जाम हो भी जाए, होने दो कोविड हो जाए तो अब वो तो सत्येंद्र जैन ने तो बोल ही दिया, इसके साथ जीना सीख लो, और क्या है कोई बीवी है कैसी जीना सीख लो, सॉरी जाके एडिट करूंगा, इससे काटूंगा थोड़ा सा, पर ठीक है ना, जीना क्यों सीखे, इसके साथ थोड़ा रहना है हमें, तो जीना सीख लो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन। चलो हो गया, आइए बच्चों इतना जल्दी से याद पढ़ते, कम टू पेज नंबर 10.7 पे आइए। पहले डेफिनेशन को मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, वहां पे मार्क करेंगे। यार आपको ठंड तो नहीं लग रही? आप डेढ़ पसली से आप थोड़े से है नहीं, मेरे को तो लगती नहीं, मैं तो बॉडी सारी आती हवा चली जाती है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी। बच्चों ऐसा करिए प्लीज, इस डेफिनेशन में जैसे ना यहाँ पे मैंने लिखा था ना तोड़ तोड़ के, प्लीज लिख लीजिए यहाँ पे ऊपर, जैसे मैंने 4 लाइनों में लिखा था ना, पहली लाइन में लिखो, इस इधर लिख लो ऊपर ऊपर, इट इज अ बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ। थर्ड लाइन में लिखिए, हाँ वो तो पहले लिख लिया ना, पहले वाली लाइन में लिखिए, सेकंड लाइन में लिखिए कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, थर्ड लाइन में लिखिए एसिस्टिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ, एंड फोर्थ लाइन में लिखिए बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। बच्चों नेक्स्ट वीक सैटरडे
परसों सैटरडे, नेक्स्ट वीक सैटरडे से मेरा इस साल का बैच शुरू हो रहा है, तो प्लीज स्प्रेड द नेम अमंगस्ट योर नोन्स, हैं अपने छोटे बड़े और छोटे और अपने रिलेशंस में या फ्रेंड्स में, थोड़ा सा मेरे थोड़ा गरीब का काम चल जाए और क्या, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। ओके बच्चों, लिख लिया सर, को क्लास कब किस समय हो सकती है, कौन सी सैटरडे को, इस सैटरडे सर, सर इस सैटरडे, सर कल तो आपकी सेम टाइम पे है, बस 6 की जगह 6:15 का टाइम है, तो 6:20 तक शुरू होगी, कल शाम को ही है, सैटरडे का भी शाम को ही रखूंगा, नहीं सैटरडे शाम नहीं होगी, सैटरडे कहीं ना कहीं आपकी क्लास मॉर्निंग में होगी, सैटरडे सर, मॉर्निंग होगी सर, हाँ, और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और दो क्लास और चाहिए कल, हाँ जी, संडे को भी होगी कोई, नहीं नहीं संडे को वो केस स्टडीज की होगी, ये खत्म हो जाएगा, अभी एक मिनट बताता हूँ मैं, एक मिनट, चलिए बच्चों आइए, प्लीज बच्चे प्लीज बात नहीं, सीधा आइए बच्चों, इधर इस पेज पे स्लैंग लिख लीजिए इसका, पुलिस पीपल चार्ज पब्लिक फॉर वायलेटिंग शॉर्ट में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, मैं यहां लिख देता हूं, पुलिस पीपल चार्ज, या आप प्लीज बता दोगे ना मैं वो स्लैंग जो कैपिटल में और शॉर्ट में, पुलिस पीपल पीपल चार्ज पब्लिक फॉर, ये शॉर्ट में वायलेटिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, पी कैपिटल पी सी पी एस एस, मैं ऐसे भी कर सकते हैं ये लोग कि जिसको ऐसा लग रहा है ना कोई फीवरिश टेंडेंसी है उसको पीपीई किट बिठा के पहना के बिठा देंगे, तो बैठ जा और सारी जगह से कवर, तू पेपर यही दे, ऐसा भी कर सकते हैं, तो इसलिए खुश मत हो, के साथ कर सकते हैं, हैं कर सकते हैं ना, वो तो रूल्स नहीं कर सकते हैं सर कि सभी को ऐसे पहन के आना पड़े, नहीं सभी को नहीं पहन के आना पड़ेगा बेटा, सभी नहीं पहन सकते, 12 लाख बच्चे थोड़े ना सभी पहनेंगे, क्या कह रहे बेटा, सीबीएसई वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो बस छोड़ दो तुम इन लोगों को, बेटा थर्मल स्कैनिंग तो होगी क्या, हाँ वो अब देखो वही है, अब देखो वही तो डर है, वही तो डर है असिम्प्टोमेटिक जो है कि तुम्हारे बीच में ही, जैसे अभी सहज बैठा हुआ बता रहा हूँ, जस्ट काम लिया है, ठीक है, हाँ जैसे बैठा हुआ, अब कुछ भी हो सकता ना, आसपास वाले देखो कुछ भी हो सकता ना, ठीक, मैं बस बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ऐसे आपको थोड़ी ना, चलिए आइए बच्चे, ओके, नहीं नहीं ऐसा किसी को नहीं, आप लोगों में तो ऐसा कुछ ऐसा है, ओके आइए प्लीज बच्चों, प्लीज प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, जल्दी से रीड करेंगे, मैं कुछ वर्ड्स है जो मार्क करवाऊंगा, द बेसिक फंक्शन, प्लीज सही हम आगे ध्यान दीजिए, द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज द क्रिएशन ऑफ अ कंटिन्यूस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, अंडरलाइन करिए कंटिन्यूस मार्केट, इट गिव्स इन्वेस्टर्स अ चांस टू डिस इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट, दिस प्रोवाइड बोथ लिक्विडिटी एंड ईजी मार्केटेबिलिटी, अंडरलाइन करिए लिक्विडिटी एंड ईजी मार्केटेबिलिटी, ओके नेक्स्ट, pricing, share prices on stock exchange are determined by the forces of demand and supply, underline kariye demand and supply, a stock exchange is a mechanism for constant valuation through which the prices of securities are determined, constant valuation ko underline kariye, third safety, the membership of a stock exchange jo kal main aapko bataunga is well regulated and its dealings are well defined according to the legal framework which provides safety to the investors, contribution to economic growth, a stock exchange is a market in which existing securities are resold or traded through this process of disinvestment and reinvestment, ye samajh mein aa gaya disinvestment and reinvestment ka matlab kya hua, kisne khareed rakha wo bech raha hai, disinvestment, koi aur khareed raha hai, reinvestment, through this process of disinvestment and reinvestment savings get channelized into their most productive areas, this leads to economic growth, providing scope for speculation, the stock exchange provides sufficient scope within the provisions of law for speculation in a restricted and controlled manner. मैंने पहले बताया कि जुआ खेल सकते हो, but वो भी limited. ये नहीं कि कुछ भी लगा दिया. And lastly, spreading of equity cult. Cult मतलब culture. ठीक है, but NCERT में ये है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है. It is not a misprint. आप भी यही लिख के आओगे. Culture है, culture. The stock exchange can play a vital role in spreading of equity culture by regulating new issues. इस line को underline करिए बच्चों. इस line को underline करिए. बताता हूँ क्यों. By regulating new issues, promoting better trading practices and educating the public about investment. अब question आएगा, यही line आ जाएगी, ये line लिख के आ जाएगी, stock exchange
ये हाइड हो जाएगा, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर हाइड कर देंगे बाय दिस दिस दिस। फिर क्वेश्चन होएगा विच इंपॉर्टेंस या विच फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस हाइलाइटेड ओवर हियर। तो आपको ये लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अब जो कल का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर, उसकी मैं आज थोड़ी सी बेस आपके सामने तैयार कर, ठीक है। देखो बच्चों, यहां समझ, अभी सिर्फ नोट्स को बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, यहां ध्यान, और मैं टाइम दूंगा आपको ये बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मैं आपको टाइम दूंगा, अभी मत बनाना, साइड बाय साइड मत बनाना, अभी सिर्फ समझना मेरे को, आप दे दो, देखो 7:10 हुए, मेरे को 10 मिनट और दो, 7:20 में मैं छोड़ दू। यहां दे बेटा, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम में क्या सिमिलैरिटी है वो मैं आपको आज यहां बताना चाहूंगा। कैसे बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है वो बताऊंगा, कैसे सिमिलरली स्टॉक मार्केट सिस्टम वर्क करता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां देखो, सबसे बड़ा, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। बिल्कुल 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 सही बोला, आरबीआई। अब आरबीआई क्या चाहता था कि जितने भी लोग बैंकिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं इंडिया में, चाहे वो सेविंग्स बैंक हो, करंट अकाउंट हो, कोई भी हो, वो मेरे पास आ जाए, मतलब मैं ही उनको ये सर्विसेज दूं। बट धीरे धीरे जब उसको समझ आया कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्विस देना इज नॉट ओनली अ वन मैन शो, तो उसने क्या कहा, उसने कहा मैं बिल्कुल ही डील नहीं करूंगा पब्लिक के साथ, छोड़ ही दो, बात ही खत्म करो। उसने क्या किया, मार्केट में अपने छोटे छोटे कौन बना दिए, कौन है ये कमर्शियल सब्सिडरी, इज द एजेंट्स। सब्सिडरी वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, हम बोलेंगे ये कौन है इसके एजेंट्स, एसबीआई, पीएनबी और कोई प्राइवेट बैंक भी, आईसीआईसीआई, ठीक है, इन लोगों को हम क्या कह सकते हैं, एजेंट्स ऑफ आरबीआई या फिर कमर्शियल बैंक, ठीक है। आप आरबीआई में जाके अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ठीक है, लेकिन चाहे आप अकाउंट एसबीआई में खुलवाओ, चाहे पीएनबी में खुलवाओ, चाहे आईसीआईसी में खुलवाओ, ऑटोमेटिकली वो आरबीआई के पास चला गया, मानते हो इस बात को। आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था, आप पीएनबी में जाके लाखों रुपए अपने इन्वेस्ट कर देते हो, मतलब सेव कर देते हो, किस बुनियाद पे, कौन है पीएनबी, है कौन आपका, कौन लगता है कुछ नहीं, लेकिन कहीं ना कोई, मतलब कोई आपको नहीं लगता, मतलब आपको कोई रिश्ता नहीं है इससे, लेकिन एक विश्वास है, वो कौन दे रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आरबीआई इन बैंकों का क्या है, किस, क्या बोला, ये क्या है, बाप है, बिल्कुल सही है, बाप है, और कौन है, रेगुलेटर, बाप रेगुलेट करते हैं बहुत गर्म, बहुत कम गर्म में, मतलब बहुत गर्म में, आजकल तो उल्टा भी हो गया, मम्मी भी रेगुलेट करती है। मैं भाई इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा किस्सा से याद आ रहा है, छोटा सा सुना दूं, छोटा सा। तो जनरली क्या होता है, आज से थोड़े साल पहले एक बच्ची बैठी, मतलब थी स्टूडेंट थी, तो ऐसे ही उसने क्या कहा कि मैंने कुछ, मैं समझाया था, तो मैंने ऐसे ही बोला कि जनरली तो पापा मम्मी को पैसे देते हैं महीने के, जनरली ऐसे ही होता, तो वो नाराज हो गई मेरे से, कहती सर ऐसे मत बोलो, ठीक है बेटा नहीं बोलता, देखिए हुआ क्या, तो मैंने कहा क्या हुआ बताओ, तो कहते सर मेरे घर पे पापा को रोज सुबह 100 रुपए मिलते मम्मी से आज के लिए तुम्हारी, तो ऐसा भी होता है बहुत गर्म, आज का सिस्टम चेंज हो रहा है। तो वैसे बाप है कौन, आरबीआई, ये रेगुलेटर है, आप इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, सबका बाप एक, ठीक है। और एक और रोल ये प्ले कर है, वो क्या है, आप चाहे कोई भी नोट निकालो, चाहे वो एसबीआई के एटीएम से निकालो, चाहे वो पीएनबी, चाहे वो आईसीआई, चाहे वो देना बैंक, चाहे वो लेना बैंक, चाहे वो कोई भी, नहीं ये नहीं कोई, ठीक है, हाँ, देना बैंक, बंधन बैंक, ये जो आजकल छोटे छोटे बैंक है, इनमें से किसी से भी बैंक से निकालो, उसके ऊपर एक एक का नाम लिखा होता है आरबीआई। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आरबीआई कौन है, क्या क्या कहा, बैंक ऑफ इश्यू कह लो, क्या कह रहे, मतलब एक तरीके से कस्टोडियन है, कस्टोडियन मतलब हर करेंसी की वो क्या कर रही है, एक तरीके से रखवाली कर रही है, चाहे वो किसी भी बैंक में, मानते हो। तो मैं इसको एक और रोल बोलता हूँ, आरबीआई एक रोल प्ले कर रहा है रेगुलेटर का, और एक रोल प्ले कर रहा है कस्टोडियन ऑफ इंडियन करेंसी। ये बात समझ में आई बच्चों, यस और नो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बैंकिंग सिस्टम, अब आप चाहे इधर चले जाओ इधर चले जाओ इधर चले जाओ, ये लोग अपने रूल्स नहीं बना सकते, दे हैव टू बी इन द गाइडलाइंस इशूड बाय, हाँ इनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि लोन का रेट आप 10-11% दे सकते हो, उसके बीच में अपना फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, लेकिन ये नहीं कि दूसरा बैंक 10% दे तो आप 8% में लोन बांटने शुरू करो, नो, एक गाइडलाइन दे दी है उसके बीच में रहकर आपको काम करना है, मानते हो, ठीक। अब देखते हैं फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में
आईबीआई जैसी जो बॉडी है वो यहाँ पे है, मैं यहाँ लिखता हूँ फाइनेंशियल सिस्टम, या इसको थोड़ी देर बंद करो, थोड़ी देर, पांच सात, हाँ नहीं सेबी नहीं, नहीं सेबी नहीं है वो बॉडी, सेबी नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम में जो आईबीआई का रोल है वो प्ले कर रही है एक बॉडी जिसका नाम है डिपॉजिटरी, इसका रोल प्ले कर रही है एक बॉडी जिसका नाम है डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी एक बॉडी है जो सारी सिक्योरिटीज, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे वो शेयर्स हो, प्लीज मेरे एक एक वर्ड को समझना, कल बहुत यूज होगा ये, चाहे वो कोई भी सिक्योरिटी हो उसकी रखवाली करती है। अब डिपॉजिटरी जब बनी तो उसने कहा कि जितने भी लोग शेयर्स वगैरह में ट्रेड करना चाहते हैं वो मेरे पास आ जाओ, जैसे उसने कहा था। लेकिन वही हम लोगों की क्षमता पे उसको शायद इतना भरोसा नहीं था, उसको लगा था चुनने चुनने थोड़े बहुत लोग होंगे बैंकिंग सिस्टम, लेकिन जब 150 करोड़ की पॉपुलेशन और एक एक बंदे के दो दो अकाउंट, 300 करोड़ अकाउंट, ये नहीं संभाल पाया। ऐसे यहां हुआ, इतने लोग हैं, इतने लोग उसमें से डीमैट अकाउंट की वो ये शेयर्स में खरीदते हैं बेचते हैं, तो ये इसके आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो गया। तो इसने कहा मैं बात ही नहीं करती पब्लिक से। इसने अपने भी कौन बना दिए? छोटे छोटे एजेंट्स, और उन एजेंट्स का नाम क्या दिया? स्टॉक ब्रोकर्स। मैं आपको कुछ स्टॉक ब्रोकर्स का नाम बताता हूं। एक तो हमारे से सिर्फ 10-15 कदम की दूरी पे, जैसे आप नीचे उतरोगे, और नहीं कौन सच्चा पार्लर को आपने बोल ब्रोकर भाई, वो प्रॉपर्टी ब्रोकर है, वो ये रहा, वो ये रहा, वो ये सपरा था सज्जा। अबे सज्जा तो ब्यूटी पार्लर ही है। हाँ नहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा था, नहीं लिखा। और वो प्रॉपर्टी ब्रोकर है, प्रॉपर्टी ब्रोकर, ब्रोकर से एक ही तरीके के नहीं होते, बहुत ब्रोकर होते हैं। नहीं आप पहले बताओ, आप सज्जा में क्या करने चाहते हैं? नेल पॉलिश वगैरह है, थोड़ा सा वो पेडिक्योर मैनिक्योर ले रहे, और उसके थोड़े से आगे जाके, उसके थोड़े से आगे जाके अच्छे खासे सैलॉन्स भी है, लेकिन इसने क्या बोला? पार्लर। ठीक है, ये वही जाता है, ये वही जाता है। एनीवेज तपस मेरे को आज बड़ी शर्म आ रही है, ये मेरा ही भाई है, चलो कोई नहीं। तो आप अपने आप को बदलो ना बेटा, एक छोटा सा जोक, छोटा सा। जब घर पे बच्चा होता है, लड़का होता है, तो क्या कहती है अंदर से नर्स आके बाहर कि मुबारक हो आपके घर राजा बेटा हुआ है? जब लड़की होती है तो क्या कहती है? मुबारक हो आपके घर लक्ष्मी आई। जब ये हुआ नर्स बाहर आई, मुबारक हो आपके साथ मजाक हुआ, वो भी बड़ा जोक्स। ठीक है, ऐसी खबरें तो फैल जाती है ना, वो न्यूज पेपर में आया, वो जो आती है ब्रेकिंग न्यूज, एक घर में मजाक हुआ ऐसे। तो हाँ ब्रोकर, ब्रोकर। अच्छा हम थोड़े गलत चले गए, आपने दिशा बदल ली अपनी, हमें इधर ही जाना था, हमें इधर जाना। जैसे आप यहां से नीचे जाओगे, नीचे जाके बीएन मोमोस पे भागोगे ना, उधर ही बिल्कुल बीएन मोमोस के पीछे ही है एक रैंप सिक्योरिटीज, बिल्कुल बीएन मोमोस के पीछे। आनंद नहीं, अनंत है पहली बात तो, आनंद बना दो आप उसको। और जो स्टेशनरी शॉप है ना अंकल की छोटी सी, वो बाहर रहते हैं अंकल, पेट बड़े से मॉडल, ठीक है, उनका पेट अलग से बड़ा रहता है, ठीक है, वो जो अंकल है उसके साथ ही बिल्कुल। आप लोगों के नोन में तो नहीं है ना किसी के साथ है? निकुली अभी भी देखी मैंने, अभी लेके आया मैं पेंसिल उनसे, ठीक है। ब्रोकर रैंप सिक्योरिटी नहीं, वो घर से वो कर रहे, वो कंप्यूटर वाले है, दुकान है उनकी, उसके साथ ही बिल्कुल उसी बिल्डिंग में एक छोटी सी सिक्योरिटी ऑफिस है, रैम सिक्योरिटीज, वो है स्टॉक ब्रोकर। चलो एक नाम तो वो हो गया, चलो उनको छोड़ते हैं, मैं बड़े नाम लिखता हूँ यहाँ पे। आप M2 के रोहिणी गए हो? कभी गए होगे? वहां पे एक दुकान है, ऑफिस है, शेर खान ब्रोकर्स, ये नाम है उसका। और मैं आपको कुछ नाम बताया तो कार्वी, कार्वी है एक बहुत बड़ा नाम है कार्वी। और आपको नाम बताया तो हर बैंक वाला ब्रोकिंग सर्विस भी देता है, ICICI ब्रोकर ब्रोकिंग सर्विस, बैंक भी है इनका और ब्रोकिंग सर्विसेज भी है, ठीक है। तो ब्रोकर बहुत तरीके के होते हैं, गलत नहीं, आपको मिस नहीं करना, मैच नहीं करना, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है, एक ये है, ये समझिए आप थोड़ा सा, ठीक है। और आप जाके देखना पार्लर में, जब आप जाओ तो आराम से समझना। ओके, इनको क्या कहते हैं? प्लीज बच्चों इधर ध्यान दीजिए,
इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। इनको एक और नाम से जानते हैं, डीपी, नॉट डिस्प्ले पिक, व्हाट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। समझ में आ गई बात। अब ये लोग, इनके एजेंट्स भी है और एजेंट्स ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो चाहे आप अपना बैंकिंग ब्रोकिंग सर्विस इनसे लो, इनसे लो, इनसे लो, वो सबकी रेगुलर, वो सब किसके अंडर है, इसके। तो डिपॉजिटरी जो इनसे दो रोल थे ना, वो यहां पे देखो, डिपॉजिटरी ने कहा चाहे आप शेयर्स इसके थ्रू खरीदो, इसके थ्रू खरीदो, इसके थ्रू खरीदो, खरीदो, सारे के सारे कस्टडी मेरी है। तो डिपॉजिटरी इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ कस्टोडियन, कस्टोडियन का रोल डिपॉजिटरी प्ले कर रही है, कस्टोडियन का रोल डिपॉजिटरी प्ले कर रही है। मैं एरो को थोड़ा ऐसा बनाता हूं, ठीक है। लेकिन ये इतनी निखट्टी है, निकम्मी है, कहती मैं सिर्फ कस्टोडियन ही बनूंगी, रेगुलेटर ही नहीं बनूंगी। जैसे वहां पे वो रेगुलेटर भी है, अगर किसी भी बैंक ने फ्रॉड किया तो आरबीआई एक्शन लेगा, कहते यहां पे मैं नहीं करूंगी रोल, मैं सिर्फ ध्यान रखूंगी नोट करेंसी का, ओ सॉरी सिक्योरिटी का। तो फिर हमने पूछा अच्छा रेगुलेटर कौन बनेगा, तो कहती एक और बॉडी लेके आओ, सेबी इज व्हाट, रेगुलेटर। तो जो काम आरबीआई अकेले करा था वो यहां पे दो लोग कर रहे हैं, एक डिपॉजिटरी और एक सेबी। ये समझ में आया, बट सिमिलैरिटी समझ में आई। अब अगर आपको अगर आपको सिक्योरिटीज में खरीदना बेचना है तो आपको इनके पास जाना पड़ेगा, फिर ये आपको आगे काम कराएंगे जो हम कल सीखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और एक और बात, आरबीआई अकेले जो काम कर रहा था वो यहाँ पे दो है, डिपॉजिटरी भी दो है, डिपॉजिटरी भी हमारे इंडिया में दो है, एनएसडीएल सीडीएसएल। इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप यहां अपना जाके सिक्योरिटीज खरीदो, वो कहीं पे भी जा सकता है, वो ऑटोमेटिकली होता है कि एनएसडीएल उसके पास ध्यान रखेगा या सीडीएसएल, वो आपका काम नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि जो काम आरबीआई अकेले करता है वो यहाँ पे तीन लोग कर रहे हैं, एनएसडीएल सीडीएसएल एंड सेबी। इतनी बात समझ में आई। अब आप क्या करिए, सिर्फ एक काम करिए, इसको अपने कहीं पे बनाइए, सिमिलैरिटी बिटवीन बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल सिस्टम, हम इस देर से कल शुरू करेंगे, पहले इसके आगे से इसको जल्दी से बनाइए। ये आप लोगों को दिख रहा है, क्लियर? कुछ भी नहीं समझ आएगा तो मैं से पूछ लेना। अच्छा इसको जल्दी बनाओ, मेरे को भी दो आगे क्लासेस के अनाउंसमेंट करके आज की क्लास को वाइंड अप करना है। बनाना कहां पर है, कहीं पे भी जगह बनाओ, कहीं पे भी, यहां देखो ना, नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में बना लो, जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मार्केटिंग, उसके आगे स्पेस पर नोट्स होगी, यहां बना लो। और छोटा बनाना, क्योंकि मैं कल और भी चीजें बनवाऊंगा, तो ये होना पूरा बच्चे के पूरा सजा सजा चले, कितना छोटा सुना ना। हेडिंग लिखो सिमिलैरिटी बिटवीन बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये बना लीजिए क्योंकि मैं कल इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, जल्दी बनाओ। अच्छा दो तीन अनाउंसमेंट मैं साइड बाय साइड करता हूं, आप सुनते रहिएगा। पहली अनाउंसमेंट, कल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है जिसका नाम है ट्रेडिंग प्रोसीजर, 10 स्टेप का पहला पॉइंट। कल आपकी क्लास, जैसे आज क्लास 6 की 6:15 शुरू होती है, कल 6:15 क्लास है, तो 6:20 तक आप यहां पे असेंबल हो जाइएगा। Why? क्योंकि कल 6:15 से पहले मत आइएगा, यहाँ पे कल दूसरी क्लासेस है तो उसकी भी भीड़ है, तो हम चाहते नहीं कि भीड़ हो, एक आराम से पास आउट हो जाए फिर आप आओ। 6:20-6:25 तक आ जाना, कल 7:45 तक चलेगी सिर्फ। कल के बाद एक क्लास और होगी जिसका टाइम मैं कल ही बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे मॉर्निंग रख के, अगर आप लोगों की सबका कंसेंसस हुआ तभी, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे मॉर्निंग रख के आई विल वाइंड अप विद दिस चैप्टर, ठीक है। उसके बाद ऐसी ग्रुप क्लासेस खत्म हो जाएगी, ठीक है, कोई क्लास अब फिर उस पर ग्रुप क्लासेस खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीक मंडे से क्या होएगा वो बता देता हूँ। रोज सुबह 3 घंटे में यहाँ पे आया करूंगा, 1.5 घंटा एक चैप्टर चलाया करूंगा, 1.5 घंटा एक चैप्टर चलाया करूंगा एज पर द डिमांड, लेकिन ओनली ऑफलाइन। जिसको आना है वो यहाँ आके कर लो, उसकी ऑनलाइन मैं नहीं दूंगा क्लासेस, ठीक है, वो यहाँ आके कर सकते हो। जिसमें मैं सबसे पहले शुरू करूंगा ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिंसिपल्स, पहले 1.5 घंटा ऑर्गेनाइजिंग, फिर 1.5 घंटा प्रिंसिपल्स। टाइम अभी फाइनल नहीं करा, वो इसकी लास्ट क्लास पर फाइनल करूंगा, ठीक है। तो जो जो आना चाहे वो आ सकता है, नहीं ना ना चलेगा, दो दो तीन तीन दिन चलेगा, मतलब लेकिन जल्दी होएगा क्योंकि जब बैठ के अपना 2-4 बच्चे बैठ के करेंगे तो जल्दी होगा, लेकिन खत्म नहीं करूंगा मैं अपने, वो जैसे भी बच्चे बोलेंगे कि सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दो, वैसे अगर बोलोगे डिटेल में तो जैसे एज पर द नीड भी वैसे मैं करूंगा, लेकिन मैं चलाऊ क्लासेस मेरी चलेगी बट ग्रुप क्लासेस बंद हो जाएगी, ठीक है। हाँ बैरियर्स की, हाँ अच्छा वो, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बैरियर्स के क्लास ऐसे रख लूंगा, जो एक दो कुछ टॉपिक्स है जैसे बैरियर्स हो गए, एक दो और टॉपिक्स है कॉमन जो मेरे पास लिखे, वो उनकी मैं ऐसे ग्रुप क्लास मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, वो आप आज। और इनकी भी क्लासेस जो मेरी ऑर्गेनाइजिंग है, जो भी चैप्टर सुबह हुआ करेंगे उसका भी मैसेज बकायदा आपके ग्रुप में आएगा। अगर आप आ सको यहाँ पे तो आ जाइए, अगर आप नहीं आ सकते तो, और आप करना चाहते हो तो आप मेरे से बात करना, कुछ उसका भी हल निकालेंगे, लेकिन मैं उसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नहीं करूँगा, साइड बाय साइड तो नहीं करूँगा।
समझ में आ गई बात। एंड थर्ड थिंग इसको तो बना ही लीजिए, जो लास्ट चीज है बेटा, मैं आपसे देखो मजाक की बात हटके मैं आपसे विद फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट करो, डू प्लीज टेक दीज टेस्ट सीरियसली। जो कल भी है एक मेरा टेस्ट, अगर आप यहाँ नहीं आके दे सकते कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बहुत सिंसियर हो मैं उस पर मानता हूँ, अगर नहीं भी हो तो अब तो सिंसियरिटी ले ही आओगे, आप इस टेस्ट को घर ले जाइए, आप अपने घर से करके लाइए और मेरे पास सबमिट कर दीजिए, रात को सुबह कभी भी अगर आप लेना चाहो। पेपर नंबर 3 मैंने रख दिया है, जो आज ले जाना चाहता है वो आज ले जाओ, आप मेरे को सबमिट करके वो कर दीजिए, ठीक है, मैं चेक करूंगा और इसी में ही कल मतलब कल या परसों डिस्कस कर लेंगे, जो हमारे 2 टेस्ट हो चुके उनका डिस्कशन भी रखना है एक दिन हम, ठीक है, ये काम है, ठीक है बच्चों। तो जिसने ये बना लिया वो आराम से जा सकता है, कल 6:20 तक आप यहाँ पे असेंबल हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेडिंग प्रोसीजर, अगर कल कोई टेस्ट देना आना चाहता है तो 12:45, अगर कोई टेस्ट घर से के लिए लेना चाहता है तो यहाँ से ले सकता है, ओके बच्चों, ऑल ओके। और एक और मतलब बात की, चलो बाद में क्या करेंगे वो बाद में ही कराओ, चलो प्लीज इन टेस्ट को सीरियसली लीजिए, ओके बच्चों बाय बाय। ये हो गया, मैं इसको हटा दूं, सर एक बार लेफ्ट साइड का भी दिखा दो, लेफ्ट क्या कह रहे हो, लेफ्ट साइड का नहीं कह लिया ना, तो फिर कब लाओ, तो क्यों नहीं देना, रहन दो क्यों, हाँ मैं चेक करूंगा ना, हाँ हाँ ला, कहाँ पे बैठे, यहाँ पे, यस सर, हाँ जी नम्या एक मिनट, क्या कह रहे हो, दे दो मैम से ले लो, हाँ हाँ मैं कह दूंगा, कोई भी टेस्ट पेंडिंग, कोई भी टेस्ट है, नहीं अभी नहीं, अभी संडे तक करूंगा, मंडे को देखो बता, हो गया बच्चों, हो गया सर, क्या कर गया, हाँ कट गया कट गया कट गया, इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, नहीं बैरियस है, बैरियस कट भी है उसमें, कुछ ना क्लैरिटी नहीं है इसलिए वो है, वो पढ़ना मैं कराऊंगा,